दोस्तों कमेंट बॉक्स में आरआईपी ज़रूर लिखें। आपको बता दें कि तारक मेहता शो के नट्टू काका का निधन हो गया है और लंबे वक्त से उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नज़र आने वाले नट्टू काका अब नहीं रहे। नट्टू काका का किरदार निभाने वाले एक्टर घनश्याम नायक का निधन हो गया है। वो काफ़ी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने इस बात की जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि नट्टू काका काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें कैंसर था। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ शुरुआत से ही जुड़े हुए थे। नट्टू काका ने अपनी कॉमेडी से सभी को बहुत हंसाया था। शो में वो जेठालाल के असिस्टेंट का रोल प्ले किया करते थे और उनकी दुकान में काम करते थे। वो अपने फनी एक्सप्रेशन से सभी को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते थे। बाघा संग भी उनकी बॉन्डिंग बेहद खास थी। शो में उनकी क्यूट स्माइल और इंग्लिश बोलने के लहजे के भी सभी दीवाने थे। घनश्याम नायक का जन्म 12 मई 1944 को हुआ था। वो 77 साल के थे। पिछले काफ़ी समय से वो बीमार थे और कैंसर से जंग लड़ रहे थे। एक्टर के निधन से तारक मेहता की टीम काफ़ी मायूस है। शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने घनश्याम नायक की एक फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा, हमारे प्यारे नट्टू काका हमारे साथ नहीं रहे। परम कृपालु परमेश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परम शांति दे। उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। नट्टू काका हम आपको कभी नहीं भूल सकते। बता दें कि घनश्याम नायक सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी अपने अभिनय से सभी को इम्प्रेस कर चुके हैं। वो साल 1960 में अशोक कुमार की फिल्म मायूस में चाइल्ड एक्टर के तौर पर नजर आए थे। इसके बाद वो बेटा, तिरंगा, आंखें, लाडला, क्रांतिवीर, आंदोलन, बरसात, माफिया, चाहत, इश्क, चाइना गेट, तेरे नाम और खाकी समेत कई फिल्मों का हिस्सा रहे। उनकी कमी एंटरटेनमेंट जगत को हमेशा खलेगी।